One of the top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class business. Bee Tech, excellence with values. और एक बात जो हम सब कह सकते हैं वो ये कि इस देश की संसद इस देश की जनता के सवालों इस देश की जनता की चिंताओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से फेल हो गई। पूरे देश में जिस सवाल पर सबसे बड़ी चर्चा चल रही थी उस सवाल पर थोड़ा भी न्याय करने की क्षमता इस देश की संसद में नहीं। पूरा सत्र बीत गया, एक भी कायदे की चर्चा नहीं। न तो सत्ता पक्ष चर्चा चाहता था, प्रधानमंत्री संसद के बाहर बोलने में दिलचस्पी रखते थे, संसद के अंदर बोलने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। बार बार संसद को संसद के सामने जाके सवालों का जवाब देने को टाला गया। विपक्ष तो आमतौर पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालता है, लेकिन सत्ता पक्ष जानबूझ के संसद की कार्यवाही को अवरुद्ध करे ये बहुत कम बार होता है, ये हमने देखा इस तरफ। और उस तरफ विपक्षी नेता शोर खूब मचा रहे थे, चाहते थे कि उन्हें विरोध करते हुए देखा जाए, लेकिन संसद में गंभीर बातचीत बहस के लिए उनकी भी तैयारी नहीं। अगर प्रधानमंत्री चाहते थे कि खाली संसद के बाहर बोले, तो राहुल गांधी चाहते थे कि बड़े बड़े आरोप लगाएं और खाली संसद के अंदर लगाएं, पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी का सहारा लेके लगाएं। इस लिहाज से इस देश की संसद उन बड़े सवालों पर, उस काले धन के बड़े सवाल पर बातचीत करने, उस पर इस देश को रास्ता दिखाने में पूरी तरह से असफल रही। और इन सब का राज खुला जब संसद का सत्र समाप्त होता है। पता लगता है कि इस देश का पूरा राजनीतिक सत्ता प्रतिष्ठान, पूरी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जहां नोटबंदी के सवाल पर एक दूसरे से कुश्ती करते हुए दिखना चाहती है, लेकिन वास्तव में जो बड़े सवाल है इस देश के, काले धन के असली और बड़े सवाल, उनमें ये सारे के सारे एक साथ से मुक्त रखना चाहता है। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों विदेशी धन पाने के आरोप में पकड़ी जा चुकी है। दोनों ने मिलीभगत से कानून बनाया, बैकगेट का, अपने आप को उससे मुक्त करवा लिया। इस देश में भ्रष्टाचार को पकड़ने के जो प्रमुख कानून है, उन कानून को ये सारी पार्टियां एक दूसरे से मिलीभगत करके समाप्त करने पे तुली हुई है। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसको संसद की समिति के द्वारा ऐसा एक्ट बनाया जा रहा है जिसको अब केवल प्रोटेक्शन ऑफ द करप्ट एक्ट ही कहा जा सकता है। विसल ब्लोअर एक्ट को डाइल्यूट किया जा रहा है। काले धन